हाय एवरीवन सभी का स्वागत है अपनी कक्षा में आप जानते हैं आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द लास्ट लेसन विच इज अ वेरी ग्रेट लेसन फॉर यू टू अंडरस्टैंड ये जो चैप्टर है बच्चे इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ी सी फनी बात है कि ये जो चैप्टर है ना आप लोगों की बुक का कौन सा चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर है लेकिन इस चैप्टर का नाम क्या है द लास्ट लेसन ओके नाउ बिफोर आई स्टार्ट द क्लास आई वांट टू टेल यू ऑल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के पास नोट्स अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ तो प्लीज दैट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू ऑल शुरुआत करते हैं बच्चे हमारे अबाउट द चैप्टर की तो ये जो चैप्टर है बच्चे किस चीज पर बेस्ड है हम ये जो चैप्टर है वो लिखा है पहली बात हमारे एल्फों डॉडेट ने और इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं फ्रांको पुरुषियन वॉर की जिसमें प्रूशिया जीत गया था और उन्होंने पता है क्या बोला था उन्होंने बोला था कि फ्रांस की जो दो डिस्ट्रिक्ट ना लोरेन और एल्साज ओके इन दोनों को उन्होंने हड़प लिया ठीक है और उन्होंने बोला कि वहां पर अब से फ्रेंच के बदले जर्मन पढ़ाई जाएगी माई गॉड बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी यही है हम लोगों को समझ आ गया होगा आई होप कि हम लोगों किस वॉर की बात कर रहे हैं और कितना बुरा लगा होगा उन, उन लोगों को जो उस डिस्ट दिस, में रहते हैं जिन लोगों से उनकी मदर टंग उनकी लैंग्वेज छीनी जा रही है राइट right? शुरुआत करते हैं जल्दी से हमारे चैप्टर की

डिस्ट्रिक्स ऑफ एलसाज एंड लॉरेन अब वहां पर क्या पढ़ाई जाएगी जर्मन जर्मन पढ़ाई जाएगी विच इज who न्यूज फॉर ऑल districts, right? तो शुरुआत करते हैं जल्दी जल्दी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कि क्या होने वाला है इस चैप्टर में ठीक है कैसे हमारा ये जो चैप्टर है शुरू होता है अब सबसे पहले हमारा जानना जरूरी है कि हमारा जो चैप्टर है उसमें दो मेन प्रोटेगनिस्ट हमारे हैं दो मेन कैरेक्टर्स हैं एंड जो हमारा पहला कैरेक्टर है दैट इज फ्रांस द लिटिल बॉय और जो हमारे दूसरे कैरेक्टर हैं वो हैं हमारे एम हेमिल जो हमारे फ्रेंच टीचर रहे हैं शुरुआत होती है आ, हमारे फ्रेंड्स की जिनको स्कूल जाना होता है उनका स्कूल में ना टेस्ट डे होता है जो कि एम हेमिल को लेना था ऑन द टॉपिक पार्टिसिपल्स लेकिन हमारे फ्रेंड्स को ना पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता था उनको कुछ नहीं आता था उन्होंने कभी अपनी लैंग्वेज पर लैंग्वेज सब्जेक्ट पे कभी फोकस ही नहीं करा राइट एवरीवन तो अब उस दिन ना उनको स्कूल जाने के लिए उठने का मन नहीं कर रहा था उन्हें चॉपिंग बर्ड बहुत अच्छी लग रही थी वेदर बहुत अच्छा लग रहा था एवरीथिंग वॉज सो फैसिनेटिंग फॉर हिम बट उसके अलावा उनको स्कूल नहीं जाना था ओके सो यूल सी हियर आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग और बहुत यू नो मेको ऐसा लग रहा था कि डांट पड़ेगी क्यों पड़ेगी क्योंकि एम हेमल ने बोला है कि वो हमसे पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन करेंगे लेकिन मुझे तो उसका फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता था ठीक है फिर मुझे एक पल को लगा कि भाई आज स्कूल बंक कर लेते हैं छोड़ देते कौन कौन है जिन बच्चों ने कभी स्कूल बंक करा है बंकिंग इज नॉट अ गुड हैबिट ओके बंक नहीं करना चाहिए हमें स्कूल क्योंकि हम लोगों को uh, जैसा कि हमारे फ्रेंड्स को फील हुआ कि उन लोग उन्होंने ना पढ़कर कितना बुरा करा एट द एंड ऑफ द चैप्टर आप ये समझेंगे कि फ्रेंड्स को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे अपनी टंग मदर टंग नहीं आती लेकिन हम सभी बच्चों के पास ये एक मौका है कि हम लोग भी अब मोटिवेट होएं और आ, फोकस करें अपनी ही लैंग्वेज पर राइट चलो तो शुरुआत करते हैं बच्चे जल्दी-जल्दी से इट वॉज सो वॉर्म सो ब्राइट उस दिन का दिन ना बहुत अच्छा था जो बर्ड वॉजिंग ठीक है एंड ओपन फील्ड में ही सोशियन सोल्जर्स देवर ड्रिलिंग वो मार्च कर रहे थे पार्टिसिपल्स के अलावा बाकी सारी चीजें उनको बहुत ज्यादा क्या लग रही थी बहुत ज्यादा टेम्प्टिंग लग रही थी राइट एवरी वन बट आई है स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एन हरीड ऑफ टू स्कूल लेकिन मेरे पास ना वो वो हिम्मत थी मैंने अपने आप को बंक ना करने से अपने आप को रोका है, ठीक और मैं चला गया मैं स्कूल के लिए जल्दबाजी करने लगे बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी गेटिंग लेट जब मैं ना टाउन हॉल क्रॉस कर रहा था बच्चे तो उन्होंने देखा कि ना उस टाउन हॉल के पास ना बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठे हो रखी है फिर फैंस सोचते हैं कि यहाँ पर टाउन हॉल पे जब भी कोई बैड न्यूज आती है ना तो यहीं पर हमेशा यहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है पिछले दो सालों से जितनी भी बैड न्यूज आ रही है ना जितने भी नोटिस आ रहे हैं वहीं से आ रहे हैं लेकिन वो ऑलरेडी लेट हो रहे थे इसलिए वो भागे भागे चले जा रहे थे और आई थॉट टू माई सेल्फ वट कैन बी द मैटर नाउ और फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं अपने आप से सोच रहा था भागते भागते स्कूल के लिए कि अब क्या मैटर हो सकता है तो जब मैं भाग भाग कर जा रहा था ना मैं देख रहा था कि वहां पर ब्लैक स्मिथ हमारे वॉचर और उनके अप्रेंटिस के साथ अप्रेंटिस मतलब उनके स्टूडेंट के साथ ठीक है जो उनके अंडर प्रैक्टिस करते हैं वो ना बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे वहां पे कोई नोटिस लगा हुआ था और उसी वक्त ना मेरे को जो हमारे कौन थे वॉचर थे वो बोलते हैं डोंट गो सो फास्ट इतनी जल्दी मत जाओ ठीक है यू विल गेट यू गेट टू योर स्कूल इन plenty of time तुम अपने स्कूल जब भी पहुंचोगे तुम्हारे तो पास तब भी बहुत टाइम होगा मुझे तो ऐसा लगा था कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ठीक है आई थॉट दैट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी और मैं एम एम एल के लिटिल गार्डन में बस भाग भाग कर मेरी सांस भी नहीं आ रही थी मैं इतनी तेज तेज भागा था कि मैं वहां पर पहुंच गया था बट मेरी सास बहुत तेज तेज फूल रही थी ओके ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ Usually, जब जब स्कूल स्कूल बिगिन होता है है एज यू ऑल नो हम लोग जाते हैं ठीक और अर्ली मॉर्निंग जब हर सब बच्चे अपने घरों से स्कूल आते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है बहुत बहुत हसल बसल होती है है शोर शराबा होता है, हर कॉरिडोर्स में बच्चों के शोर ठीक है शूज का टैप 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 होना ठीक है कहीं कहीं बच्चे पढ़ा कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है कोई खेल रहा है कोई बातें कर रहा है राइट सो अर्ली मॉर्निंग बहुत ज्यादा हसल बसल रहती है बहुत ग्रेट बसल रहती है और जो स्ट्रीट तक भी आवाज आती है लेकिन उस दिन उस दिन आ, कोई आवाज नहीं आ रही थी कोई क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन रिपीटेड इन यूनाइस एंड वेरी लाउड विद हैंड्स ऑन टू अंडरस्टैंड बेटर कोई भी आवाज नहीं आ रही थी कोई रूलर की रूलर टैप की, की आवाज नहीं आ रही थी राइट सब कुछ बहुत ज्यादा क्या था स्टिल था तो यू नो बट दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज पर उस दिन सब कुछ ऐसा कितना क्वाइट था एक संडे मॉर्निंग की तरह था इस संडे मॉर्निंग को जब बहुत ज्यादा शांति होती है ना उनके लिए वो जो दिन था जिस दिन वो स्कूल दिन आ, स्कूल जब पहुंचे थे उनके लिए वो संडे मॉर्निंग जैसा दिन रहा था ना आई समाई क्लासमेट्स और जब मैंने विंडो से देखा ना मैंने देखा जो मेरे क्लासमेट्स है ना दे वर ऑलरेडी सिटिंग इन द प्लेसेस और जो एम हेमल थे जो एम हेमल थे वो आगे पीछे बस वॉक कर रहे थे ठीक है अब जब मैंने ऐसा देखा यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश एंड हाउ फ्राइटेंड आईवर्स और जब मैंने देखा कि एम हमल भी वॉक कर रहे हैं अप एंड डाउन तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर द टेस्ट ठीक है तो अब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था लेकिन कुछ हुआ ही नहीं जो एम हेमल थे उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला गो बैक टू योर सीट गो टू योर सीट क्विकली प्लीज प्लेस योर सेल्फ आप बैठ जाओ और लिटिल फ्रेंड्स ऐसा बोलकर नो you know, ऐसा लग रहा था कि वो मुझे बैक कर रहे हैं वी वो एंड बिगिनिंग और वो बोलते हैं फिर कि बिगिनिंग विदाउट यू ठीक है आई Not till then, when डाउन एट got डेस्क नॉट टिल देन fright, आई I गॉट that a ओवर had on this आई सी दैट Okay। टीचर अब क्या होता है कि ना अब वो रियालाइज करते हैं Uh, जब वो बैठ जाते ना वो रियलाइज करते हैं कि भाई आज तो एम हामल ने क्या पहन रखा है एम हामल ने उन्होंने संडे क्लोथ पहन रखे हैं ठीक है ठीके? जैसे कि फ्रिल वाली शर्ट पहन रखी है ग्रीन कोट पहन रखा है जो कि यूजुअली ना वो नॉर्मल डेज में तो नहीं पहनते थे बट कब पहनते थे इंस्पेक्शन डे पर पहनते थे ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज तो वो जो शर्ट थी ना वो जो शर्ट फ्रिल्ड वाला शर्ट या फिर उन्होंने जो भी पहन रखा था ना तो ग्रीन कोट पहन रखा था वो यूजुअली या तो प्राइज डेज में पहनते थे या फिर वो कहां पहनते थे इंस्पेक्शन डेज में पहन सकते तो अब आप एक चीज नोट करेंगे कि हमारे जो लिटिल फ्रेंड्स है ना वो ये देख रहे हैं कि जो होल स्कूल था ना वो बहुत अजीब सा था बहुत स्ट्रेंज सा लग रहा था और वो बहुत सरप्राइज थे कि सारी चीजें की बैक बेंचेस पर एम, क्या क्या नोट करा? कि जब वो स्कूल में एंट्री करी करी देर वॉज नो ग्रेट बस उन्होंने नोट कर उनको डाटा भी नहीं ठीक है फिर थर्ड चीज उन्होंने नोटिस करी की उन्होंने इंस्पेक्शन प्राइजेस वाले कपड़े पहन रखे हैं ठीक है फोर्थ चीज वो नोटिस करते है कि वही जो क्लास में जो बैकग्राउंड जो सबसे लास्ट में बैक बेंचेस है वो एम नहीं थे वहां पर विलेजर्स बैठे हुए थे ठीक है जो हमेशा एम हुआ करते थे आज विलेज पीपल वहां पर चुपचाप से बैठे हुए थे उनमें से कौन कौन था ओल्ड हॉसर था अपनी थ्री कॉर्नर हैड के साथ फॉर्मर मेयर थे एक्स मेयर थे एक्स थे थे थे। और बाकी और बाकी सभी भी लोग जो कि उन्हीं के साथ में बैठे हुए he uh, like okay, मतलब ये तो हमारे एम एम एल है तो उन्होंने क्या करा था उन्होंने वो बुक ओपन कर रखी थी और अपने घुटनों पर रखी हुई थी एंड uh, जो पेजेस थे उनके सामने खुले पड़े हुए थे राइट एवरी वन तो यहाँ पर चीज़ें उन्होंने बहुत ज़्यादा सारी नोटिस करी थी कि क्या क्या हो रहा है तो वो बोलते हैं वाइल्ड आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट एम हमल माउंटेड चेयर एंड इन द सेम ग्रेव इन जेंटल टोन विच ही हैड टू मी सेट माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन दैट आई शेड गिव यू तो अब वो अपनी चेयर से यू you नो know, अपनी चेयर पर बस ऐसे खड़े होते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि, और फिर उसके बाद वो बताना शुरू करते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों ये जो है ना लास्ट लेसन है ठीक है ये जो है लास्ट लेसन है ऑर्डर आ गया है बर्लिन से ठीक है

दे पुट अप टाउन अच्छा फिर अब उनको समझ आता है अब किसको समझ आता है अब समझ आता है हमारे फ्रांस को कि जो टाउन हॉल पर इतनी ज्यादा भीड़ हो रही थी ना वो यही नोटिस था जहां पर सभी इतने लोग इकट्ठे हो रखे थे और वो इसी न्यूज को

बुक्स दैट सीम्ड सच सेंस ऑफ आई लगो सो है इलाबोरेट ये पूछ लेते हैं तो इसका मतलब क्या है वो तो ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो मेरी ग्रामर बुक थी जो मेरी हिस्ट्री बुक थी जिसमें हम दिग् दिग्गजों की या फिर हमारे हिस्टोरिकल लोगों की हम स्टोरीज पढ़ते थे सारी चीजें अब वो मुझे लग रहा था कि वो मेरे ओल्ड फ्रेंड्स हैं वो मेरे पुराने दोस्त हैं और मैं उनको छोड़ नहीं सकता हूँ बिकॉज यू नो इट इज वेरी हार्ड वेरी डिफिकल्ट कि आप अपने दोस्तों को भूल जाओ या फिर छोड़ दो अपने पुराने दोस्तों को राइट right? तो ऐसे ही लिटिल फ्रेंड्स को लग रहा था कि यार ये जिनसे मैं अभी तक भागता था दूर भागता था अब वो मुझे मेरे ओल्ड फ्रेंड्स लगने लग गए थे और मैं चाहता हूं कि मैं उन लोगों को छोड़ू ना राइट right?

तो वो कह रहे हैं वो अब इस ऑनर में कि, कि ये जो लास्ट लेसन है फ्रेंच का इसलिए उन्होंने आज संडे क्लोथ्स पहने थे और अब मुझे समझ आता है कि जो विलेज पीपल है वाई दे वर ऑल्सो सिटिंग एट द बैक बेंचेस राइट क्योंकि उन लोगों को भी बुरा लग रहा है दैट वो किसको थैंक करते हैं बेसिकली एम हामल को करते हैं क्यों करते हैं इट वॉज देअर वे ऑफ थैंकिंग आर मास्टर फॉर इज फोर्टी ईयर सो बेसिकली वो जो विलेजेस बैठे हुए थे ठीक है तो उनका तरीका था अपने मास्टर को थैंक करने का क्योंकि उन्होंने कितने साल सर्व करा है फोर्टी ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस करी एंड ऑल्सो वो अपने कंट्री कंट्री को भी ग्रेटिट्यूड यू नो अपना रिस्पेक्ट दिखाना चाहते थे क्योंकि अब वो जो डिस्ट्रिक्ट थे अब वो उनके नहीं रहे थे ओके okay? अब वो किसके हाथों में थे अब वो क्या जर्मन लैंग्वेज आनी थी फ्रेंच अब चली जानी थी राइट रुशिया जीत चुका था सो दैट इज वाई द कंट्री वोज नॉट इवन एनी मोर ये इंपॉर्टेंट है ये आपके क्वेश्चन में आ जाता है ठीक है

अपनी लैंग्वेज पर ध्यान ही नहीं दिया था बट आई गॉट टू अप ऑन द फर्स्ट देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुकअप लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाया मैं अच्छे से नहीं रीड कर पाया और मैं फर्स्ट वर्ड में ही जंबल अप हो गया और यू नो आई वॉज देयर माई हार्ट वॉज बीटिंग और मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं एम हैमल को नजरों से नजरें मिला सकूं। आई हर्ड एम हैमल तो मैंने देख सुना कि एम हेमल मुझे कह रहे थे कि मैं तुमको नहीं डाटूंगा ठीक है आई वॉन्ट स्कोल्ड यू इंपॉर्टेंट है ये भी ठीक है लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड अनफ तुमको खुद बुरा लगना चाहिए See, देखो. Every day, हम अपने आप को कहते थे बा मेरे पास बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम है और मैं कल पढ़ लूंगा अब तुम देख रहे हो कि वेर यू आर और तुम कहां पर आ गए हो यू डोंट है नाउ दोनर स्पीक नोर राइट योर ओन लैंग्वेज और अब कल को जब वो लोग आ जाएंगे तो वो हमको क्या सुनाएंगे हमको यही सुनाएंगे कि अरे ये कैसे हो सकता है तुम तो खुद फ्रेंच हो लेकिन तुम्हें न तो खुद रीड करनी आती है फ्रेंच नहीं पढ़नी आती है तो तुमको खुद को बुरा लगना चाहिए ठीक है बट यू आर नॉट द वर्स लेकिन लिटिल फ्रेंड्स तुम ही सिर्फ वर्स नहीं हो वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच विद हम सभी को इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए था यू आर नॉट द ओनली वन अब यू नो योर पेरेंट्स हमल बात करते हैं उनके पेरेंट्स की तुम्हारे पेरेंट्स को भी इतना फर्क नहीं पड़ता था वो क्या करते थे तुमको फार्म पे भेज देते थे काम करने के लिए ठीक है मिल्स पर भेज देते जिससे कि वो थोड़ा और पैसा कमा सके और अगर रही बात मेरी ठीक है मेरे भी तो ब्लेम कर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आ जाता है कि एम हमल अपने आप को ब्लेम क्यों करते हैं ठीक है थीके? तो आई हैव नॉट ऑफन सेंट यू टू वॉटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन मैंने तुम लोगों को अपने प्लांट्स को वॉटर करने के लिए नहीं भेजा इंस्टेड ऑफ यू नो तुमको बोलता कि लर्न कर लो लेसन बट मैंने तुमको भेजा ठीक है तो एंड वेन आई वॉन्टेड टू जब मुझे फिशिंग जाना था तो मैंने तुम लोगों को छुट्टी भी दे दी थी राइट सो आई एम ऑल्सो टू ब्लेम देन फ्रॉम वन थिंग टू एन टू अनादर एम वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज ठीक है तो एक चीज से दूसरी चीज यू नो फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल क्या बात करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज की बात करते हैं ठीक है सेम दैट इट वॉज द मोस्ट वो बोलते हैं कि भाई जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना बहुत सबसे ईजीएस्ट और सबसे ब्यूटिफुल लैंग्वेज है और बहुत लॉजिकल है ठीक है क्लियर है मोस्ट लॉजिकल है ठीक है दैट वी मस्ट गार्ड इट इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट बिकॉज व्हेन पीपल आर गार्डेड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन सो बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जब तक तुम्हें अपनी लैंग्वेज आती है ना तो तुम्हारे पास तुम्हारे ताले की चाबी है ठीक है इंपॉर्टेंट है ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एक्सट्रैक्ट में भी आ जाते हैं कि वो इस इस पैराग्राफ से क्या कहना चाह रहे हैं सो so बेसिकली वो ये समझाना चाह रहे हैं कि इफ

i was amazed to see how i understood how well i understood आज मैं बहुत अमेज़ हो रहा था कि मुझे सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही थी he all his said seemed so easy आज जो जो भी बोल रहे थे बहुत इजी इजी लग रहा था शायद से मैंने उनको आज तक ध्यान से सुना ही नहीं था और मैंने आज और या फिर that he had never explained everything with so much patience या फिर आज तक उन्होंने इतने पेशेंस से कुछ समझाया ही नहीं था it seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew आज ऐसा लग रहा था कि आज जो एम हमल है ना वो हमको सब कुछ

ओनलीउंड आ रही थीच कर रहे थे उसकी आवाज आ रही थी ऐसा लग रहा था कि एक टाइम पर कुछ बीटल्स आ गई थी क्लास रूम में बट उन्होंने किसी ने भी उन बीटेल्स पर भी ध्यान नहीं दिया बट देवर ऑल फोकस्ड ऑन राइटिंग ऑन दोज पेपर्स

फ्रेंच के बदले जर्मन सिखा देंगे क्या ये पिज़न्स के साथ भी ऐसा कर देंगे बहुत है ये। सिर्फ और बेंचेस में से ऐसे बहुत लग रहे थे। to सारी जो उन्होंने गार्डन बनाया था हर एक चीज का ध्यान रखा था उस पुअर मैन मिस मतलब कि एम हामिल के लिए कितना मुश्किल होगा ये सारी चीजें छोड़कर जाना एंड टू हियर सिस्टम मूविंग अबाउट इन द रूम ट्रंक्स और उनके सिस्टर जो है वो अपने पैक कर रही है ट्रंस क्योंकि वो लोग कंट्री नेक्स्ट डे छोड़कर जाने वाले हैं बताइए बट उनके पास करेज था टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट आफ्टर राइटिंग राइटिंग के बाद दे हैड अ लेसन इन हिस्ट्री अब हिस्ट्री में लेसन था और जो बेबी देयर राइट और उसके बाद एट द बैक ऑफ द रूम जो ओल्ड हॉसर थे उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स पहन लिए और अपनी जो प्राइमर थी बेसिकली रिलीजियस बुक थी वो उन्होंने अपने दोनों हाथों में ले ली एंड देन दे वर स्पेलिंग द लेटर्स और तुम ये देख सकते हो दैट वो रो भी रहे थे उनकी वॉइस जो थी एकदम कप कपा रही थी विद इमोशन और बहुत फनी था टू हियर दैट ऑल ही हीड दैट वी ऑल वॉन्टेड और ये बहुत फनी था कि हम चाहते थे कि सब हंसे और रोए अ ये लास्ट लेसन हम कभी वही नहीं भूलने वाले हैं

और देन ही रिटर्न टू द ब्लैक जाते हैं एक पीस ऑफ चौक उठाते हैं and then he writes on the board. हैं वे वे okay? वॉल की तरफ ऐसे खड़े हो जाते हैं ठीक है एंड वो हमें अब हम आप हम सबको जेस्टर करते हैं विद स्कूल इज डिस यू मे गो कि अब स्कूल खत्म हो गया है तुम अब जा सकते हो कैन यू इमेजिन कि हमारे एम हामिल के साथ क्या बीती होगी कि आ, उनके साथ राइट उनके साथ अब उन लोगों को कहा जाना था एम हामल तो इनफैक्ट कंट्री छोड़कर जा रहे थे राइट एम हामल जो थे हमारे वो कंट्री छोड़कर जा रहे थे और अब से इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लोरेन एंड डिस्ट्रिक्ट अब जर्मन आने वाली थी इनफैक्ट आप ये सोच सकते हो आप लोगों से आपकी मदर टंग छीन ली जाए तो आपको कैसा लगेगा और आपको तब कैसा लगेगा कि अभी तो आप छोटे बच्चे ही हो अभी तो आपने रीड एंड राइट करना सीखा भी नहीं है और उसके बाद भी और उसी वक्त पर आप लोगों से आपकी मदर टंग को छीन लिया जाए बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा राइट right? तो इसी ऐसा ही बुरा हमारे हैमल और लिटिल फ्रांस को लग रहा था आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया हो क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज होती है दे डोंट हैपन ओके वी हैव टू क्रिएट आर इसीलिए आप लोग भी ऐसी अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट करें कि आप लोगों को अपनी टंग अपनी लैंग्वेज अपनी मदर टंग और आपके जितना भी आप लोगों को इस चैप्टर में समझ आया है, वो आप उसको अच्छे से ग्रास्प कर लें राइट सो थैंक यू सो मच एवरी वन बु बाय टेक केयर अपना ध्यान रखिए गुड नाइट